उड़ी बाबा बहुत ही बड़ी इविल नन बन चुकी है, बिगेस्ट इविल नन। देखो मैंने अपनी जादू टोने से इविल नन को बहुत ही बड़ी बिगेस्ट राक्षसनी बना दिया है। देख सकते हो मेरे जैसा ताकत तो किसी के अंदर नहीं है, मैं अपने जादू टोने से किसी को भी राक्षसनी बना सकता हूँ, वो भी बिगेस्ट। हा हा हा, ये सब पैसा अब मेरा हो गया ना इविल नन की बहनों, बोलो। हा हा, तुम्हारा ही हो गया क्योंकि तुमने हमारी इविलन महारानी को बहुत ही बड़ी एक राक्षसनी बना दिया है। हमारी इविलन महारानी ने बोला था अगर तुम उनको बहुत बड़ा बना दोगी तो तुमको वो बहुत सारा पैसा देगी, और वो सारे के सारा पैसा जो दिख रहा है ना वो अब से तुम्हारा हुआ। अब हमारी इविलन बहन कब जागेगी, जल्दी से बताओ। उड़ी बाबा, इनका इनके शरीर को तो मैंने बहुत ही बड़ा एक राक्षस में बदल दिया इविल नन को, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद ये जागने वाली है, अब इसके लिए मुझे फिर से जादू टोना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं जादू टोना करने वाला हूँ यहाँ पे। अब ये इविल नन थोड़ी देर बाद जाग जाएगी और पूरे के पूरे शहर को तबाह कर देगी, और वो लिटिल सिंगम की को शिवा शिनचैन सबको कच्चा चबा कर खा जाएगी और राज करेगी। अरे गिली गिली छू, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, जल्दी से इविल नन जाग जाए, गिली गिली छू। मजा आएगा, फिर हमारा राज होगा इस दुनिया में, ना वो ग्रैनी हमसे चपड़ चपड़ कर पाएगी ना कुछ, हम राज करेंगे, उस ग्रैनी को भी चींटियों के जैसे मसल लेंगे। और यार कीको शिवा शिनचैन, बहुत ही गड़बड़ हो चुका है हमारे शहर में, सारे के सारे इंसान अपने घर के अंदर घुस गए डर के मारे। मैंने सुना है बड़ी सी इविल नन आई है यहाँ पे। ओ भाई ये देखो गाइस, कितनी बड़ी इविल नन है गाइस, बिगेस्ट इविल नन, बहुत ही बड़ी। तो इसका ही सभी लोग बातें कर रहे हैं गाइस, और न्यूज चैनल में दिखा रहे हैं गाइस न्यूज पे कि बहुत ही बड़ी है कि इविल नन राक्षसनी आ गई है हमारे शहर में। ये तो सच दिखा रहे हैं गाइस, देखो यहाँ पे कितनी बड़ी इविल नन है। ओ भाई ये तो आसमान के ऊपर है गाइस, देख सकते हो। अरे बाप रे कितनी बड़ी है गाइस, इससे मैं कैसे लड़ूंगा। ये इविल नन गाइस ये हमारे शहर को तबाह करना चाहती है, इसलिए इतनी बड़ी बन चुकी है गाइस। अगर ये जाग गई ना, ये तो पूरे शहर को तबाह कर देगी और हमें सबसे पहले मारेगी गाइस। ओ माय गॉड, अब क्या होगा गाइस, और ये राज करेगी दुनिया में। अगर इसको हमने ख़त्म नहीं किया, सारे इंसानों को ये कच्चा चबा कर खा जाएगी। अरे बाबले लीजिए सिंगम भैया, कुछ करना पड़ेगा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर ये जाग गई तो हम सभी को छोड़ेगी नहीं और पूरे शहर को भी तोड़ फोड़ के रख देगी। अरे ये देखो ऊपर आ गया हूँ मैं, कीको मैं कुछ करता हूँ, शोर मत मचाना। सो गाइस देख सकते हो कितनी बड़ी है ये इविल नन। ओ माय गॉड, लगता है गाइस इसके ऊपर कोई और भी है गाइस। देखो देखो गन लेकर सभी लोग खड़े हुए हैं, ये तो इविल नन की बहन लोग है गाइस, कलरफुल इविल नन है। और वो कौन है गाइस वहाँ पे, आपके वहाँ पे तपस्या कर रहा है, जादू टोना कर रहा है। अरे यार मुझे देखना पड़ेगा गाइस, चलो स्नाइपर से देखता हूँ पास करके। और यार कितनी भयानक लग रही है ये इविल नन। और ये देखो गाइस, ये तो हड्डी का ढांचा है गाइस, स्केलेटन है ये तो। ओ भाई यहाँ पे सारी की सारी इविल नन की कलरफुल इविल नन बहन लोग गाइस गन लेकर पहरा दे रहे हैं, कोई इनका जो है तपस्या भंग ना कर दे गाइस। तो मेरे को सब समझ आ गया है गाइस, ये जो हड्डी का ढांचा है ना उसको मिला है इतना सारा पैसा इविल नन को राक्षसनी बनाने का गाइस, और उसने बना भी दिया है, बस इसको जगाना बाकी है। ये अभी सो रही है गाइस, तो इसको जादू टोना करके ये लोग जगाने वाले गाइस, और ये इविल नन और भी ज़्यादा खूंखार हो जाएगी। मुझे कुछ करना पड़ेगा गाइस, रोकना पड़ेगा उस हड्डी के ढांचे को, स्केलेटन को। अगर हमने रोका नहीं ना तो वो इस इविल नन को जगा डालेगा और बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा गाइस, इसको रोकना मुश्किल हो जाएगा इविल नन को। ये सबका खून पी जाएगी, इंसानों को मार डालेगी। अरे बाप रे लीजिए सिंगम भैया कुछ करो ना, मुझे बहुत डर लग रहा है, लीजिए सिंगम भैया कुछ करो, इन इविल नन लोगों को मार डालो। और यार अगर मैं मारूंगा तो आउच, पता चल जाएगा, मेरे पे अटैक कर देंगे। और यार इनसे बातें करता हूँ। अरे इविल नन चली जाओ तुम लोग यहाँ पे, और इस बड़ी सी इविल नन को नॉर्मल कर दो, ठीक है। अरे हड्डी का ढांचा ये बंद कर दो, जादू टोना, नहीं तो ये सारे इंसानों को खा जाएगी अगर जाग जाएगी तो। उड़ी बाबा मुझे पैसा मिला है और मैं जगा कर ही रहूंगा इविल नन को, मैंने ही बनाया इसको इतना बड़ा। तुम टेंशन मत लो, स्केलेटन तुम जादू टोना करते रहो, इविल नन को जगाओ, मैं देखती हूँ इस लिटिल
है, अब तो तेरे पास कोई सुपर पावर भी नहीं है, अब तो तू एक मामूली सा इंसान है। एक ही हथौड़े से हालत खराब हो गई इसकी। अरे बाबले, इसने तो लिटिल सिंगम भैया को पीट दिया। मुझे कुछ मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, मैं कहता हूँ छोड़ो। मार डालूंगी सभी को, कोई नहीं बचेगा। चले जाओ, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से चले जाओ। अरे बाप रे, हाथ पैर टूट गए है, हड्डी पसली टूट गई है, चूर चूर हो गई है इन लोगों की तो। बात सही हुआ, सबके सब बेहोश होकर पड़े हैं यहाँ पे। अब ये लोग तो हमसे बिल्कुल भी नहीं लड़ पाएंगे। उन लिटिल सिंगम की तो मैंने सारी की सारी हड्डियाँ तोड़ दी है हथौड़े से। अब मैं ऊपर जाती हूँ उस स्केलेटन के पास। अब बस थोड़ी देर में हमारी इवलन महारानी जागने वाली है, और हमारी इवलन महारानी जागते इस शहर को तबाह कर देगी, और हमारा कब्जा होगा सारी की सारी इवलन बहनों का। हम लोग राज करेंगे इस धरती में, और उन ग्रहणियों को भी मार डालेंगे, ग्रहणी और उसके बहनों को भी। फिर हमारे सामने कोई भी आवाज नहीं उठा पाएगा। मजा आएगा। अरे यार, यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे ये तो बहुत ही बड़ी इविल नन है। ओह माय गॉड, लगता है ये इविल नन एक राक्षसनी बन गई है। बिगेस्ट राक्षसनी, बिगेस्ट इविल नन बन चुकी है ये। अब तो ये जागेगी तो ये पूरे शहर को तबाह कर देगी और सबका खून पी जाएगी। अरे ये देखो, यहाँ पे तो सिबाकी को सिंचान बेहोश पड़े हुए है। पर वो सिंचान, अरे उठ जाओ। अरे वो रहा लिटिल सिंगम, वो देखो वहाँ पे लिटिल सिंगम भी पड़ा हुआ है, ये कीको भी बेहोश पड़ा हुआ है, सब अधमरा हो गए हैं। अरे लिटिल सिंगम, उठ जाओ उठ जाओ, अगर ये इविल नन जाग गई ना बहुत बुरा होगा। अरे मैं पहले देखती हूँ ऊपर चल क्या रहा है। अरे बाप रे, यहाँ पे छुप जाती हूँ, छुप के इनकी बातें सुनती हूँ और देखती हूँ आखिरकार यहाँ पे हो क्या रहा है, ये इविल नन लोग करना क्या चाहती है। उड़ी बाबा, अब बस थोड़ी देर में, बस 10 मिनट के अंदर हमारी इविल नन जाग जाएगी, ठीक है ना। और इविल नन महारानी जागते ही बहुत ही खूंखार राक्षसनी बन जाएगी, और ये पूरे शहर को तबाह कर देगी। लिटिल सिंगम और शिनचान की कोशिबा को खा जाएगी, और ग्रानियों को भी मार डालेगी, और अकेले राज करेगी। अरे बाप रे, यहाँ पे तो बहुत ही बड़ा ये लोग मास्टर माइंड गिरी कर रहे हैं। आउच, मर गई। अरे यार, इस लिटिल सिंगम को तो जगाना पड़ेगा। एक काम करती हूँ, इसको जल्दी से जगाती हूँ और इसके अंदर कुछ सुपर पावर में डाल देती हूँ अपना, ताकि ये इविल नन को मार डाले और उन लोगों का जादू टोना को रोक दे और स्केलेटन को भी मार दे, और जादू टोना टूटते ही सब कुछ सही हो जाएगा। अरे उठो लिटिल सिंगम, जल्दी से उठो, उस इविल नन को सबक सिखाना पड़ेगा और स्केलेटन को, ताकि ये नॉर्मल हो जाए। अक्कड़ बक्कड़ बम बे बो, लिटिल सिंगम के अंदर चल जाए मेरी कुछ सुपर पावर। गिली गिली छू, अक्कड़ बक्कड़ बम बे बो, मेरी कुछ सुपर पावर चले जाए लिटिल सिंगम के अंदर। गिली गिली छू, अब देखो इसके अंदर सुपर पावर समा रहा है। अब ये जागते ही अब बहुत शक्तिशाली बन जाएगा लिटिल सिंगम, और इन लोगों से लड़ पाएगा। मुझे किसी भी हाल में इस इविल नन को खत्म करना ही पड़ेगा। अगर खत्म नहीं किया तो ये लोग हमें भी मार डालेंगे और अकेले राज करेंगे धरती पे। मेरा दुश्मन है लेडी सिंगम, फिर भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। ओ भाई ग्रैनी, तुमने मुझे सुपर पावर दिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, तुमने बहुत सही किया मुझे सुपर पावर देकर। चलो अब मैं इस इवलन को ख़त्म करता हूँ और उसकी बहनों को और स्केलेटन को रोकता हूँ, ठीक है। तुम शिनचान, सिबा और कीको को उठाओ, उनको जगाओ, ठीक है। अरे ठीक है ठीक है। भाई ये देखो, ये देखो गाइस, अभी भी ये लोग जादू टोना कर रहे हैं। अरे यार स्केलेटन, ये लो सबके सब इविल नन की बच्ची, ये लो सबको मार डालूंगा, कोई नहीं बचा। ये क्या हो रहा है, ये लिटिल सिंगम जाग गया और सुपर पावर कहां से आ गई इसके पास, ये नहीं हो सकता। ये ले अब इसका इविल नन, अब तुम्हारी बारी है। बड़ा बोल रही थी मुझे पीटा ना, ये ले। ओ भाई अब तुम्हारी बारी है स्केलेटन, ये सब रोक दो नहीं तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। चलो मैं तुम्हें कहीं दूर फेंक देता हूँ, हड्डी पतली तोड़ दूंगा। सो गाइस देख सकते हो मैंने फेंक दिया उसको बहुत दूर, पर इस इविल नन को कैसे ख़त्म करूँ गाइस ये समझ नहीं आ रहा है। जल्दी से इसको ख़त्म करना पड़ेगा, कहीं ये खुद ही जाग ना जाएगा। अगर जाग गई तो बहुत ही बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। अरे ग्रैनी को पूछता हूँ, ये देखो गाइस। अरे यार लेडी सिंगम भैया, जल्दी से यहाँ पे आओ, हमारे
पास। अरे बाप ले लेते चंगा भैया, ग्रैनी को कुछ पूछो ना, वो कैसे खत्म कर सकते हैं ये बिल्डिंग को। अरे यार ग्रैनी कुछ बताओ। अरे इसको खत्म करने का ये की उपाय है, इसको जलाकर राख करना पड़ेगा। अगर जलाया नहीं तो ये थोड़ी देर बाद ही जाग जाएगी और जागते ही सबको खत्म कर देगी। और इससे शांत करना, रोकना किसी की बस में नहीं है। ये एक राक्षसनी बन जाएगी, खूंखार राक्षसनी। अब जल्दी से तुम तेल का डिब्बा लेकर जाओ और इसको जलाकर राख कर दो। अरे गिरानी शुक्रिया ये सब बताने के लिए। तो गाइस जल्दी जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। अरे 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 नीचे गिर गया मैं तो, अब क्या करूँ। इधर से चढ़ने का कोशिश करता हूँ। गाइस कितनी बड़ी है ये इवलन। चलो ये देखो गाइस ऊपर आ गया मैं। ओ भाई यहाँ पे तो आ गई। चलो अब मैं इस तेल को डाल देता हूँ चारों ओर, केरोसिन तेल को गाइस, ताकि ये इवलन जल के राख हो जाए। और ये देखो गाइस आग लगना शुरू हो गया है। मैं मुझे फटाफट से इसके शरीर में, पूरे शरीर में डालना पड़ेगा गाइस, ताकि पूरा बहुत ही खतरनाक आग लग जाए गाइस और ये इवलन जल कर राख हो जाए। अगर जल जाएगी ना तो अब कोई खतरा नहीं रहेगा हमारे शहर पर और हमारे ऊपर गाइस। ये देखो अरे जल्दी करो लेडी सिंगम, जला कर राख कर दो इसको। अरे बाप रे आग लगी है लेडी सिंगम, भैया नीचे आ जाओ। औच 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 लग गया यार। ओ भाई पिट गया बहुत ही बुरी तरीके से। ओ भाई अरे बाप रे आग लग गई है, अब ये जल के राख हो जाएंगे। लिटिल सिंगम तुमने तो कमाल कर दिया। अरे बाप रे आग लगी है, अब ये बिल्डिंग जल जाएगी। ओ माय गॉड देख सकते हो गाइस कितना खतरनाक आग लगा है गाइस, मजा ही आ गया। अब देखना ये इवलन जलकर राख हो जाएगी, अब ये जलकर मर जाएगी गाइस। अब हमें कोई टेंशन नहीं रहेगा, अब हमारा जो दुनिया है और ये शहर है बच जाएगा गाइस और हम लोग भी बच जाएंगे। अगर ये खूंखार बनकर जाग जाती ना तो सभी को मार डालती, ग्रैनी लोगों को भी। अरे लिटिल सिंगम मैंने तेरी मदद बस इसलिए की है ताकि हम इस दुनिया में रह पाए, ठीक है ना, क्योंकि ये इवलन हमें भी खत्म करना चाहती थी। वैसे तो तू हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मौका मिलते ही मारूंगी तुझे। अरे यार ठीक है ग्रैनी की बच्ची। ओ भाई ये देखो गाइस इवलन की बहन लोग यहाँ पे मरे पड़े हैं गाइस। और बाप रे बिगेस्ट इवलन को फाइनली गाइस हमने जलाकर राख कर दिया। तो ये वीडियो कैसा लगा है गाइस जरूर बताना आप लोग कमेंट सेक्शन में, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना गाइस और वीडियो को लाइक करना। अरे बाप ले लेते सिंगम भैया, अब चलो हम लोग घर जाते हैं, हमारा काम तो हो गया, अब यहाँ पे रहना कोई अब कोई फायदा नहीं, चलो घर जाते हैं, खाना वाना खाते हैं। अरे मुझे भी जाना पड़ेगा, मैं भी जाती हूँ। चलो लेते सिंगम भैया यार घर। गाइज लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो वीडियो को।